हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो भाई, आप बच्चों के लिए जो बी आर ओ के जिन्होंने एग्ज़ाम देने जाना है, जहाँ जिनके एडमिट कार्ड आए हैं या नहीं आए हैं, नर्सिंग असिस्टेंट हो या मेसन हो, क्या वो एस के टी हो, बक्के बच्चे हो, तो भाई उन बच्चों के लिए ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ कि बिना स्किप किए हुए आपको पूरी देखनी है, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल आज आपके लिए वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो भाई, सबसे पहली बात है कि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना है। बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि मैंने वहाँ पे रहना कहाँ पे है। तो भाई, कल ही मैंने वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे मैंने कॉल की, क्योंकि जहाँ पे मेरे फ्रेंड रुके थे ना, वहाँ पे रेंट पे देते हैं कमरे। वो लगभग कितनी दूर है और कितना रेंट का, वो मतलब कि कितनी पेमेंट उनको देना पड़ता है एक दिन का, और कितना टाइमिंग लगता है सेंटर तक जाने के लिए, और क्या क्या मतलब कि रहेगा, तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कल ही मेरी बात हुई थी एंटी से, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है। मैं वो आगे जाके आपको सारा बोर्ड भी दिखाऊंगा, फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ पे कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। तो भाई, सबसे पहली बात ये है कि जो रेंट पे देने जा रूम देते हैं, उसकी जो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी ओनली 200 रुपया। भाई, 200 रुपया में एक दिन का वो लेते हैं, और बीआरओ ग्रिप सेंटर जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, 5 मिनट का रास्ता है। जो मैंने बात की कल एंटी से, उन्होंने बताया कि 5 मिनट का ही रास्ता है। तो फ़ोन नंबर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये फ़ोन नंबर लिखे है ना आगे, जो स्क्रीन शॉट से आगे आ रहे हैं, ये नोट कर लीजिए भाई। इनको नोट करके आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कल बात हुई तो मैंने उसे पूछा कि कितने बच्चों का अरेंजमेंट है, वो बोल रहे कि 200 कमरे हैं। दो सौ के लगभग कमरे हैं, मतलब कि आप लगा लो 400-500 बच्चों का अरेंजमेंट वहाँ पे हो जाएगा। तो वहाँ पे आपके लिए, सभी बच्चों के लिए इजी है कि आपको आने जाने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और रेंट सबसे बड़ी बात है कि जो रेंट है 200 रुपया मात्र। तो भाई, मैं कल बात की थी आप बच्चों के लिए, तो आप नोट कर लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और मैं व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, तो सभी बच्चे वहाँ पे भी ज्वाइन कर ले, तो आपस में सभी बच्चे रहेंगे, तो एक दूसरे से बात करके हम कोई भी मुश्किल हो तो हल कर सकते हैं। तो भाई लोग, बाकी आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होती है तो, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट सेशन में मैसेज ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।